साढ़े तीन करोड़ जिहड़े रोमन ये फिर उल्ट के जीबा बन जाते हूँ। एक बारी वाहगुरु रसना तो कहते हो फिर इन्ने समय च साढ़े तीन करोड़ वार जपया जाएगा। एक बार कह दें एक दो जीबा लख हो लख हो लख बीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। इस करके रोमां दी अवस्था विच सतगुरां दी बाणी दा प्रमाण की है कि अवस्था है श्वासां दी अवस्था विच आप जी ने प्रमाण सुन ले। हुण आपां प्रमाण जिहड़े ने गुरबाणी दे संकोच में दिते जाणगे। एक एक प्रमाण काफी हो रोमां दी अवस्था नूं हाजर गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज किवें कथन करदे ने। साढ़े गुरु साहबाना का जिहड़ा निज दा तजर्बा सी ओह गुरबाणी दे विच लिखे पावन बचन है गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। आखिर अवस्था इह रोमां दी ध्यावण दी तां ही लिखी है। इस अवस्था नूं केवल कथनी विच नहीं करनी विच गुरु दे है। ध्यान दिओ कि जदों महिता जी गुरु नानक साहब ते ये भरम कर बैठे कि मेरे पुत्र नूं कोई बीमारी लग गई, बीमारी तो कोई नहीं सी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी हरदास मल वैद आया नवज पकड़ी बाए पित कफ देखण वास्ते। उह तों अगे अंदाजा लाउणा हुंदा किहड़ी बीमारी है, सिर मार के तो कुछ लभ रहा है। गुरु साहब जी उहदे हत्थां च पकड़ी हुई बांह छड़ाउंदे ने और इतराज करदे ने वैदा वैद सुजाण तों पहला रोग पछाण। वैद उह हुंदा जिहड़ा रोग दारू दोनां नूं बुझे। वैद बुलाया वैद की पकड़ टंडोले बांह भोला वैद न जाने करक करेजे मां करेजे च कल कहे। सतगुरु उत्थे एक कला वरतौंदे संसार नूं सिक्ख्या वास्ते साखी मिलनी सी, इस लई महता जी नूं अग्ञान विच रख के साखी महाराज ने प्रगट कर दित्ती। कहिंदे वैद जी बीमारी वेखणी है मेरे जिस्म नूं कम नाल कन्न ला के देख। वैद ने जिथे भी गुरु नानक दे जिस्म नूं कन्न लाया ते विचों आवाज़ आ रही है वाहिगुरु 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 दी आवाज़ आ रही। वैद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बाबा तेरा कोई रोम ऐसा नहीं जिहदे विचों वाहिगुरु की धुन नहीं आ रही, तेरे तो रोम भी नाम जप रहे हैं। बस हुण तू मैं तेरा मरीज ते तू मेरा वैद, इस करके हुण सर्व रोग का औखद नाम मैनू दे दे, हुण मैनू कृपा करके तंदुरुस्त बना। ये वास्ता कहण मात्र नहीं। जे सिख जगत विच आईए ये अवस्था दे मालक भाई मती दास जी आरे नलची रहे ते टिकाणा बनिया होया है। दोनों फाड़ियां दे विचों भी आवाज़ आ रही है बणी रोम रोम कटिया गया भाई मनी सिंह दा बंद बंद पोटियां विचों भी आवाज़ आ रही। इस अवस्था दे वर्तमान समय के अंदर सिख जगत में एक बड़ी उस वेले अहम घटना हुई। जैतों के मोर्चे में संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी ने एडा बड़ा योगदान पाया कि अंग्रेज पुछता फिरदा सी कि इन्ने अकाली रात रात तैयार कितने हो जाते जिन्हें असं डेल में पाने हैं जेल च डकते थक गए तो फिर पता चलिया वो पिंडर वाले संत ने संत ज्ञानी सुंदर सिंह अठ अठ घंटे खड़े होकर कीर्तन करते रहते। गर्मी दी रुत सी कारण बनिया किसी प्रेमी नूं जलोदर का रोग से उन्हें बेनती की महाराज मैं बड़ा तंग हाँ। महापुरुष कहते एक करमां दा है बच्चा उधर चले एक करमां दा रोग है। कहिंदा जी भोगिया नहीं जाना, कहिंदे भोगे भी रस्ता कोई नहीं ऐ महाराज कोई कृपा कर दिओ। कहिंदे फिर दूसरा तो यही रस्ता जी तैं नहीं तू नहीं भोग सकता तो मैं भोग लैना तेरे थां ते। संसार स्वार्थी है। महापुरखां ने अरदास की गुरु नानक के चरणां सच्चे पातशाह इहदा जलोदर का रोग मैनू हो जाए
महापुरुषों के जिसम रोग हो गया तो वह प्रेमी ठीक हो गया। फिर इलाज कराने वास्ते प्रेमी ने कहा लुधियाने लै गए, डॉक्टर दीवान सिंह से सिविल सर्जन लुधियाने वाला। महापुरशां नूं बेनती करता है सतपुरशो, मेरे हाथों में दो ब्रह्म ज्ञानी महापुरश चले गए, बड़ा पश्चाताप है मैनू कि मैं उन्होंने कोलों नाम की अवस्था ना पुछ सकिया। कहिंदे भाई किहड़े किहड़े महापुरश? कहिंदे जी एक तो संत बाबा अतर सिंह जी मस्तवाणे वाले चले गए, उन्हां दा शरीर मेरे हाथों में शांत होया पर मैं अवस्था ना पुछ सकिया। दूसरे संत बाबा श्याम सिंह जी जिन्होंने 70 साल सरिंदा फड़ के गुरु रामदास के दर की सेवा निभाई, 70 साल बिना नागा कीर्तन किया और 70 साल में एक भी रुपया तनखा नहीं दी। सिख जगत में इस महापुरश का रिकॉर्ड जिहड़ा आने वाली सदियों च कोई गुरसिख पैदा हो जाए, गुरु नानक का पंथ मैं कह नहीं सकता पर औखी बात दिसदी है। संत ज्ञानी अमीर सिंह जी ने 60 कथा कीतियां गुरु ग्रंथ साहिब दियां, उन्हां दा किसी ज्ञानी तो रिकॉर्ड नहीं टुटिया 60 कथा का। तो बाबा श्याम सिंह मेरे हाथों में चढ़ाई कर गए, जिन्हां दे दर्शन करन बाबा अतर सिंह जी आप गए सन, कहिंदे जी मैं उन्हां नूं ना पुछ सकिया कि महापुरशो तुहाडे शरीर के हालात इहो जिहे ने, शरीर हुण बहुती देर तुसीं रखना नहीं हंडा लिया, ये कम से कम जाण तों पहलां अवस्था तां दस दिओ तुहाडी कि अवस्था होण जी खुदाए दे भेद ना किसी ने। डॉक्टर साहब पहला तू दस कि नाम? कहिंदा जी मैं जदों गड्डी चलाउणा मैनू इंजन की आवाज़ सुन तो बंद हो जाती है, वो एक धुन चल पैंदी है धन गुरु नानक धन गुरु नानक, बस मैं वो मस्त हो जाता। कहिंदे वाह गुरमुखा धन है तू। कहिंदे महापुरख हुण तुसीं दसो। कहिंदे तू मेरे शरीर की चक ओ कर, जिहड़ा कम करना है ये तंदुरुस्त हो के गल्लां करांगे। सत वचन कह के कन्नां च टूटियां लाइया, जिथे भी टूटी ला के देखी डॉक्टर दीवान सिंह ने, कोई जगह ऐसी जिस्म दी नहीं, मुख बंद है नेत्र बंद कीते न, ध्यान साधना दे विच नाम जपया जा रहा है ते अवस्था प्रगट होई कि गुरमुख रोम रोम हर त्यागै। सारिया रोमां चो डॉक्टर दीवान सिंह ने अवस्था रोम रोम वाली सुनी, इस करके ये छेवीं अवस्था है। इस अवस्था में कहते रोमां की अवस्था, 4 अवस्था हो गई। इस तो अगे अवस्था आएगी क्योंकि जदों परावाणी भी जाप चला गया, प्राणा विच मिल के श्वासा की अवस्था पंजवीं बन गई, श्वासा की अवस्था तो बाद ते रोम भी सह लेंदे, रोमत ही चला गया नाम, ते इस तो बाद ध्यान द्वारा नाम का संबंध बाहर के पशु पंछियों के नाल जुड़ के जो कुछ भी वह बोलते हैं तो वह बोली उल्ट के इस अवस्था वाले केवल नाम की धुन सुनती है। गुरबाणी की प्रमाण है इसका, जो बोलत है मिर्ग मीन पंखेरू, जो बोलत है मिर्ग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं हो, नानक जन दास हो करके हर कीर्त गाई छूट गए जम का सब शो, जमा का शोर शराबा सब छुट गया, अवस्था उच्ची चली गई। सबो जपिया जाप जो मुखों बलेटिया, जो भी मुहों कोई बोल रहा है उन्होंने मुड़ के नाम दियां तो नहीं सुनती। मिसाल के तौर पर मस्तुआ ने बडरुखा पिंड ला गई है, बडरुखी मिस्त्रियों ने एक चक्की लाई, कदे कदे किसी किसी पिंड चक्की लाए होंगे से, कई कई पिंडा दे आटा पिहाउण वास्ते आउंदे, लोगों को सूचना देने वास्ते वो इंजन का जिहड़ा सलंसर है वो उत्ते एक लोहे की कुजी जी बन लेंदे, जदों अंजन का धुआं उहदे विचों निकलदा है ना हवा का प्रैशर, तो उहदे विचों आवाज़ निकलती, फिर तुक तुक की आवाज़ लोगों को पता चलता भी चक्की चल पई तो आटा पिहा लिया।